काशी वासियों से पूछ सकते हैं। ये बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार हुआ है। ये इस तरीके से मेवा से, आप लाची के माले से, लौंग के माले से, ये कभी किसी व्यक्ति ने अपना इस तरह का श्रृंगार नहीं कराया था। ये महादेव का अपमान है। केवल और केवल मोदी जी महिमा मंडित का अपने आप को कराने के लिए, अपने आप को बड़ा बनने के लिए, स्वयंभू बनने के लिए उन्होंने इस तरीके की चीज़ें जो की है। काशी का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक लोग, हम काशी के लोग, बाबा के भक्त, प्रत्येक लोग दुखी हैं। काशी की जनता से आके माफ़ी मांगे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाके क्षमा याचना करें। एक तो सप्तऋषि आरती पहले करा दी गई, एक वो परंपरा तोड़ी गई, दूसरी परंपरा आप ये देख सकते हैं कि अपना खुद का वो श्रृंगार करके और अपने आप को वो खुद ईश्वर स्वरूप बनना चाहते हैं। काशी के लोग इससे बहुत दुखी। काशी वासियों से पूछ सकते हैं, ये बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार हुआ है। ये इस तरीके से मेवा से, आप लाची के माले से, लौंग के माले से, ये कभी किसी व्यक्ति ने अपना इस तरह का श्रृंगार नहीं कराया था। ये महादेव का अपमान है। ये कभी किसी, यहाँ पे चाहे पंडित कमलापति त्रिपाठी रहे, वो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, हमारे संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे, कभी नहीं इस तरह की चीज़ें। ये बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार होता है, महादेव का, भगवान का होता है। हमारे परंपरा को मानने वाले काशी के, हमारे विभूति नारायण सिंह जी जो काशी के राजा रहे, वो उनको हर हर महादेव को उद्घोष से उनका स्वागत होता था। कभी उन लोगों ने भी कभी आज तक कभी इस तरीके की चीज़ें श्रृंगार अपना नहीं कराया। आज केवल और केवल मोदी जी महिमा मंडित का अपने आप को कराने के लिए, अपने आप को बड़ा बनने के लिए, स्वयंभू बनने के लिए उन्होंने इस तरीके की चीज़ें जो की है। काशी का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक लोग, हम काशी के लोग, बाबा के भक्त, प्रत्येक लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं। काशी की जनता से आके माफ़ी मांगे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाके क्षमा याचना करें। सप्तऋषि आरती पहली बार आधी घंटे पहले की गई है। ये परंपरा के साथ, एक तो सप्तऋषि आरती पहले करा दी गई, एक वो परंपरा तोड़ी गई, दूसरी परंपरा आप ये देख सकते हैं कि अपना खुद का वो श्रृंगार करके और अपने आप को वो खुद ईश्वर स्वरूप बनना चाहते हैं। काशी के लोग इससे बहुत दुखी हैं, बहुत मर्माहत हैं, बहुत ही कष्ट है काशी के लोगों को।